वेलकम अगेन टू लर्न विद द टीमन। तो रीड का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों की तैयारी चल ही रही होगी और चलनी भी चाहिए। आपके 3 मंथ्स बस आपकी पढ़ाई जो है वो जोरों शोरों से होनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 25 अप्रैल को होगा। तो सबसे पहले आप जब फॉर्म डालेंगे तो फॉर्म में सबसे ज्यादा परेशानी आती है कि लैंग्वेज कौन सी चूज की जाए। तो कौन सी लैंग्वेज चूज करेंगे, हिंदी करेंगे, इंग्लिश करेंगे, संस्कृत करेंगे, कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जब फॉर्म आप भरेंगे तो उस वक्त आपके माइंड में ये रहेगा कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे कौन सी लैंग्वेज में आ सकते हैं और किस तरीके से भाषा का चुनाव करें। क्योंकि कई बच्चों का ये पूछना है कि हमारा जो हिंदी है मीडियम है, हमारा शिक्षा का माध्यम हिंदी है, तो हम लैंग्वेज कौन सी ले। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज 1 हिंदी ले या इंग्लिश ले, आप लैंग्वेज 2 हिंदी ले या इंग्लिश ले, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको ये चीज रीड बिल्कुल स्वतंत्रता देता है कि आप हिंदी और इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज 1 और 2 के रूप में आपको मिलती है। क्योंकि यदि यूपी टेट की बात करें तो वहां हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत अधिक हैं, तो हिंदी मीडियम की वजह से वहाँ लैंग्वेज 1 हिंदी लेनी ही पड़ती है, जबकि रीड के अंदर ऐसा नहीं है। यदि आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और आपको लैंग्वेज 2 में हिंदी लेनी होगी, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों हिंदी में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स किसमें ला सकते हो, ये बात आपके ऊपर निर्भर करती है। देखिए आपकी 5 यूनिट होती है लैंग्वेज में, जिसमें से 4 यूनिट जो होती है वो बिल्कुल समान होती है, वही आपकी हिंदी फर्स्ट में होगी और वही हिंदी सेकंड में होगी, केवल 1 यूनिट जो कि दोनों में ही अंतर होता है। अब 1 यूनिट आपकी 6 मार्क्स की होती है, ऐसा ही इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो यदि हम केवल हिंदी की बात करें कि हिंदी लैंग्वेज 1 यदि हम चुन रहे हैं भाषा के रूप में, तो आपको 4 यूनिट जो है वो आपको बिल्कुल समान मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल डाउट नहीं है कि हम इन दोनों में से कौन सा लेंगे, ये हमारी समस्या आ जाती है। लेकिन जिसकी जिसका माध्यम हिंदी है, जिस जो कि जो बच्चा हिंदी मीडियम से है, यदि वह हिंदी फर्स्ट लेता है, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में क्या लेगा, हिंदी ले रहा है, तो वह सेकंड लैंग्वेज कौन सी लेनी होगी उसको, इंग्लिश लेनी होगी। यहाँ आपको ग्रामर जो है वो भरपूर मात्रा में करनी होती है। वही आपको हिंदी यदि फर्स्ट ली जाती है तो वहां आपके भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओवरऑल यदि बात करें तो लैंग्वेज 1 लो हिंदी या लैंग्वेज 2 लो हिंदी, ठीक है, केवल 6 मार्क्स का ही आपको फर्क देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। यदि आप हिंदी लैंग्वेज 1 लेते हैं और 30 में से 30 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल लैंग्वेज 1 हिंदी के रूप में लेनी चाहिए, दूसरों को देखकर आपको नहीं करना है। यदि आपकी कमांड इंग्लिश में बहुत अच्छी है, आपका मीडियम इंग्लिश है, माध्यम आपका इंग्लिश है, तो आपको लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश फर्स्ट लेनी चाहिए, और यदि आपका हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी फर्स्ट लेनी चाहिए। ये तो था मेरे अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई बच्चे जो होते हैं उनकी कमांड जो है वो दोनों में ही अच्छी होती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो चूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आराम से फॉर्म को भरिए, ऐसे कोई टेंशन में बिल्कुल ना भरिएगा कि कौन सी लैंग्वेज हम चूज करें, हमें हिंदी आती है या हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।